भारत जोड़ो यात्रा का काफिला उत्तर प्रदेश पहुंचा तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी यात्रा के साथ जुड़ गईं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला उत्तर प्रदेश में वो एंट्री कर चुका है। काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है उत्तर प्रदेश में, जबकि गाजियाबाद के बाद ये बागपत से होकर गुजरेगी, इसके अलावा शामली क्षेत्र से। तो जो क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये क्षेत्र, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में एंट्री के साथ ही प्रियंका गांधी भी इस यात्रा के साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस महासचिव हैं, राहुल गांधी की बहन हैं, और ऐसे में उनकी एंट्री भी इस यात्रा में हो गई है। इस वक्त जो यात्रा की अगुवाई यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह, आप देख रहे होंगे इस वक्त, जो कि संयोजक है इस यात्रा के, गांधी टोपी पहने हुए, और पीछे की तरफ राहुल गांधी। क्योंकि भीड़ काफ़ी है, ऐसे में पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा एक अहम पड़ाव पर उत्तर प्रदेश के बाद एक बार दिल्ली में ब्रेक के बाद एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव यहाँ पर एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहा है, तो पुराना जोश एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, नारे लगा रही हैं, और ये पीछे काफिला चल रहा है जो कि अब आगे बढ़ेगा। दिल्ली की कई जगहों से गुजरते हुए काफिला आज उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा लोनी बॉर्डर से, और इसी के साथ यात्रा का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो गया है। क्योंकि बताया गया था कि जो कंटेनर थे वो शीतकालीन सर्दी के लिए वो तैयार करने थे, इसकी वजह से टाइम लगा है, और इसीलिए बीच में नया साल क्रिसमस का त्यौहार उसके चलते यहाँ पर ये यात्रा रुकी रही, और अब एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए एक बार फिर से एंट्री होनी है हरियाणा में, इसके अलावा पंजाब में, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और फिर जम्मू कश्मीर। 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा लहराएंगे, यात्रा संपन्न होगी, और इसी के साथ कांग्रेस हर हाथ जोड़ो जोड़ो अभियान वो शुरू करेगी। तो यात्रा का अहम पड़ाव ये उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए आज देखने को मिलेगा, जबकि पड़ाव होगा लोनी में पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की है हनुमान मंदिर से, और उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया है, यात्रा आगे बढ़ रही है। इससे पहले भी ये कहा गया है कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पर जो भी तीर्थ स्थान जो प्रसिद्ध स्थान पड़ रहे हैं वहाँ पर वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि मिशन 2024 के लिए भारत जोड़ो यात्रा का ये पड़ाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।